हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे एसर्शन और रीजन। ये नया पैटर्न है जो आप अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो ये फॉर्मेट जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं, अच्छी तरह से इसको रीड नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छे से समझ के जाइए, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा और चार ऑप्शन में से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है। देखते हैं अभी इसमें कैसे हम कर सकते हैं। एसर्शन में आपको दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कॉम्पोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, और उसका रीजन दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। तो आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद ये चार ऑप्शन जो है ना, चार ऑप्शन को आपको देखना है। तो एसर्शन जो आपको दिया है ना, एसर्शन एकदम बिल्कुल भी सही है, और रीजन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। तो ये रीजन भी बिल्कुल भी सही है, यानी कि ये आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वेजिटेबल मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है वो एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि उस समय हीट इवॉल्व होता है, यानी कि रीजन ने भी उसको सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप क्या ऑप्शन पिक करोगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यस ए भी सही है और आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या टिक करना है, आपको ऑप्शन ए टिक कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर में, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर देता है, बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में रीजन में क्या है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए ये जो एसर्शन जो दिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन दूसरा वाटर प्रोडक्शन नहीं होता है, वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि आपका ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर आपको ये गलत मिल गया तो बहुत आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए बोथ ए एन आर आर ट्रू बोला है, दूसरा नहीं पढ़ के भी आप कर सकते हो, तो ये आंसर होगा ही नहीं। बोथ ए एन आर आर ट्रू बोला है, ये भी गलत हो गया, ए इज ट्रू ए भी गलत हो गया, तो बचेगा कौन सा। अब बिना पढ़े आप नेक्स्ट इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई एक श्योर शॉट मिल जाता है कि कोई एक स्टेटमेंट गलत है, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन में क्या दिया है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है, यस है सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के कारण ही ब्राउन फ्यूम्स वहां पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करना है, ठीक है। दोनों सही है और ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको ये ओनली यही टाइप नहीं है, दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि 50% जो है एमसीक्यू फॉर्मेट कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा एग्जाम बनेगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।